और बात करते हैं छतरपुर की, जहां के ग्राम नारायणपुर के 25 फुट पे गहरे बोरवेल में फंसे 4 साल के दीपेंद्र यादव को बाहर निकालने के लिए गड्ढे की खुदाई का काम लगभग पूरा होने के बाद अंदर की ओर 10 फुट गहरा टनल बनाने के बाद कार्रवाई चली रही थी, तभी एसडीआरएफ ग्वालियर के प्रभारी कंपनी कमांडर जेके त्रिपाठी, गोविंद शर्मा प्लाटून कमांडर तथा हवलदार गजेंद्र सिंह कौरव और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग के पश्चात सभी बोरवेल में पहुंचे, जहां परिजनों से चर्चा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और परिवार की सहमति से फंदा बनाकर 2 रस्सी को बोरवेल में डाला गया और बच्चे को रस्सी को अपने हाथ में फंसाने की बात कहकर उसे पकड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद गोविंद शर्मा और गजेंद्र कौरव द्वारा बच्चे को धीरे धीरे ऊपर की ओर सावधानी पूर्वक खींचते हुए बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं बाहर निकालने के बाद मेडिकल की टीम को सुपुर्द कर बच्चे को एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी माँ के साथ अस्पताल भिजवाया गया। दीपेंद्र के बोर्ड से बाहर निकलते ही उपस्थित जनसमूह, प्रशासनिक अधिकारियों और परिवार के लोगों के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। आपका रश्मि? अच्छा रश्मि, कैसे ये बच्चा गिरा आपका? सब विवाही हो रही थी जी, तो वो साथ में आ गए का पहन के। फिर कैसे क्या हुआ? साहब खेला थी ये तो साहब उतर तो सड़क गए, कहा हमें पता नहीं है साहब। कितनी उम्र है बच्चे की? साहब 5वीं साल में चल रहा। क्या नाम है? दीपेंद्र यादव। अच्छा ये बताओ कि बोर किसका था ये? साहब हमारी को बोर आ घर आई को। मेरा नाम कैलाश। कैलाश जी, कितनी देर से बच्चा गिर गया है? बच्चा 2 बजे के आसपास। क्या हुआ फिर? जी अभी तो फंसा हुआ बीच में, और खेल रहा है अभी तो, आवाज भी दे रहा है। बाकी प्रशासन की टीम आ गई है? हाँ जी आ चुकी है, मशीन भी चल रही हुई है। और कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित हैं? जी सारे है, जो विधायक जी है सारे। क्या प्रार्थना करते हैं आप? हम तो जी कहते हैं ईश्वर बच्चा साहब अपना सुरक्षित निकलें। बारिश हो रही है कितनी तेजी से? बारिश तो ये हो रही है। छतरपुर जिले के ओरछा रोड अंतर्गत नारायणपुरा जो एरिया है, वहाँ पे खुला बोरवेल था और जिनका था उन्हीं का जो बच्चा है वो लगभग इसमें 12-15 फीट नीचे है। लगातार जो एसडीआरएफ की, प्रशासन की, पुलिस की टीमें हैं काम कर रही हैं, और ये प्रयास है कि अगले 3-4 घंटे में बच्चे को सुरक्षित हम निकाल पाएंगे। कितने फिट का बोर था, कितने बजे गड्ढा है? ये अनुमानित जो है 150 फिट से ज़्यादा का गड्ढा है, और बच्चा जो है बीच में फंसा हुआ है, तो हमारा प्रयास यही है पैरेलल डिगिंग करके जल्दी से जल्दी बच्चे तक पहुँचे और उसको सुरक्षित बाहर निकालें। क्या किया जा रहा है अभी? क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी तो बारिश से बचाने के लिए बोर को सुरक्षित किया गया। उसके बाद जो लाइट, क्योंकि अंधेरा 2-3 घंटे में हो जाएगा और अगर ऑपरेशन हमारा उसके बाद चलता है, तो पैरेलल लाइट की व्यवस्था की गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर यहाँ से रहें, सुरक्षित रहें, तो उनके लिए एक कॉर्डन बनाया गया है। सभी से अपील है कि यहाँ से दूर रहें। इसी के साथ ही जो डिगिंग है पैरेलल चल रही है, और जितने अच्छे से और जितना साइंटिफिकली हम इसको अंजाम दे पाएंगे उतना ही जल्दी हम बच्चे तक पहुँच पाएंगे। बच्चा अभी तक स्वस्थ है, सुरक्षित है, और रिस्पॉन्ड भी वो अच्छे से कर रहा है। ऑक्सीजन वगैरह सब सप्लाई लगातार जारी है।